हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सर? आपका स्वागत है मेरी नई एक वीडियो में, आपके अपने चैनल में। ये देखो, मैंने कुछ नई डिश बना रही हूँ। ये मेरा आज स्पेशल डिश है। ये मेरे मसाले हैं, तो चलो तैयारी करते हैं, दिखाती हूँ क्या है मेरे पास। ये मैंने खड़े मसाले रख लिए हैं, सारे मसाले तैयार कर लिए हैं मैंने। ये मैंने मेरा सूखा मसाला है, अभी मैं बताती हूँ। ये खड़े मसाले हैं, वो सूखा मसाला है, और मैंने चने उबाले हैं। मैं बना रही हूँ आज लाहौरी चने। ये देखो, रात को भिगो लिए थे, सुबह बना रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि ये लाहौर का, पंजाब का पाकिस्तानी नाश्ता है। ये देखो, मैंने चने उबाल के रख लिए हैं। मैं आधा किलो चने बनाऊँगी, ये देख लो। इसको उबाल के अच्छे से ये करके तैयारी करके रख लिए। अब तैयारी करती हूँ तड़के की। ये देखो, मैं तड़का कैसे बना रही हूँ, सेम, बिल्कुल कोई उसमें नुक्स नहीं निकलेगा। ऐसे लाहौरी चने बनेंगे जैसे आप होटल में ही बैठ के खा रहे हो, बड़े टेस्टी और मज़ेदार। इसमें मैं अब घी डाल रही हूँ। देखो, मैं सरसों के तेल से या तो देसी घी से बना रही हूँ, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ, ये देख लो। इसका एक कारण है गाइस, क्योंकि नाश्ते में हैवी नाश्ता किया जाता है लाहौर में, तो आपको पता है। इसमें मैंने डाला है जी अभी लहसुन कुटा हुआ, मतलब कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाला है मैंने। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ। देखो क्या 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 डालती हूँ मैं, कैसे कैसे करती हूँ। बिल्कुल मज़े के टेस्टी, और कभी खाए नहीं होंगे ऐसे ऐसे चने बनके तैयार होंगे आपके। ये देख लो, इसमें मैंने डाला है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ओ, लहसुन पहले डाला था, अदरक का पेस्ट डाला है, ये देख लो। इसको भी अच्छे से भूनूंगी, और मैंने कभी थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा कम रखूंगी। ये देख लो, इसको अच्छे से मैं भूनूंगी। इसी में मैंने एक प्याज दरदरी करके, कद्दूकस करके डाली है गाइस, सिर्फ एक प्याज, और बरिस्ता भी यूज़ करूँगी। अब मैंने डाले खड़े मसाले, बादियान का फूल, दालचीनी और लौंग, इलायची, ये देख लो। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और हाँ, सॉरी गाइस, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रही, बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार थी। अब ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, तो इसलिए आज मैं वीडियो डाल पा रही हूँ। अब तो थोड़ा बहुत ऊपर वाले का रहम है, थोड़े बीमारी में भी शफा है मेरे, तो मैं ठीक हूँ। अब मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। अब मैंने डाला है अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। हरी मिर्च, वो भी कुटी हुई दरदरी, मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। पहले मेरी इतनी जान भी नहीं थी कि मैं खाना बना के मैं सर्व करूँ या देखूँ, दिखाऊँ, वीडियो बनाऊँ। अब मैं थोड़ा, मेरा सेहत में सुधार है, तो अभी मैं बना सकती हूँ। देखो, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक कद्दूकस करी हुई प्याज डाली है मैंने। प्याज बिल्कुल कम रखें, आप ज़्यादा नहीं डालें। क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे हो तो तब डाल सकते हैं। अब ये मैंने ऐड किया दही, बिल्कुल खट्टी ना लें आप दही, मीठी बाज़ार वाली दही है ये, खुली। ये देखो, जब दही डालोगे इसको लगातार चलाते रहना है, अदरक लहसुन डालने के बाद ही चिपकते जाता है नीचे, इसको लगातार चलाते जाना है गाइस। और रुको, थोड़ी थोड़ी देर का गैप ले ले, इसको मैंने लगने नहीं देना है नीचे। देखो, कढ़ाई में वैसे थोड़ा कम लगता है, अगर देखती कुछ होती तो लग जाता है नीचे, तो मेरी कढ़ाई थोड़ा मजबूत है, हैवी है, तो वो लगेगी नहीं। ये देख लो, आज हम इसमें बनते मुर्ग चने, ये अंडा चना है। वैसे पहले मैं सिंपल तड़के वाले चने निकाल लूँगी, बाद में मैं इसमें अंडे डालूँगी। ठीक है गाइस, मेरी सासू माँ को, सास को अंडे पसंद नहीं है, वो खा नहीं पाती, तो इसलिए मैं अंडे नहीं डाल पाऊँगी, तो इसमें बाद में मैं अंडे डालूँगी बच्चों के लिए। अब मैंने डाला है बरिस्ता और दूध। बरिस्ता इसलिए डाला है, हम इंडिया में बरिस्ता ही कहते हैं, लाहौर में तली हुई प्याज कहते हैं। हम बरिस्ता टुकड़े करके उसमें मिक्स कर लो तो पता ही नहीं चलेगा।
ये देख लो गाइस, इतना बढ़िया नाश्ता, इतना टेस्टी नाश्ता। सारे कह रहे हैं कि भाई मीट जैसा बना है, मीट जैसा बना है, इतनी टेस्टी नाश्ता। इसमें बिल्कुल तरी कम होती है थोड़ी बहुत। अब मैंने डाली है हल्दी, ये देख लो। और हाँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको पसंद आती है तो वीडियो शेयर भी करें, और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा चैनल आपके पास आते रहें, मेरी वीडियोस आपको दिखती रहें। ये देखो, और ये इसको मैं अच्छे से गोल्डन करूँगी। मेरा रोगन ऊपर आ चुका है, तरी ऊपर आ चुकी है, ये देख लो। ये जायका है ना गाइस, कभी कभी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत शानदार गाइस जायका है ये, बहुत टेस्टी नाश्ता है ये, बहुत ही टेस्टी। सुबह नाश्ता हैवी कर लो ना तो इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती। अब मैंने डाली है सुरख मिर्च, लाल कुटी हुई दरदरी मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च मैंने शामिल की है, तो इसमें आप हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा दरदरी मिर्च कुटी हुई डालें, कम ही डालें, मिर्च कम ही रखें। ये देख लो, इसमें ऐसी ही मिर्च जाती है, कुटी हुई दरदरी ही मिर्च जाती है। ये देख लो, इसको मैं अच्छे से मैं गोल्डन करूँगी। इसके साथ नान हो, पाव हो, ब्रेड हो, रोटी हो, तो क्या ही कहने, मज़े आ जाते हैं खाने के लिए। ये देख लो, मेरी तरी बन चुकी है। अब मैं जो नीचे से जल रहा था थोड़ा बहुत, मैं पानी छिड़कूंगी ताकि जले ना, बैलेंस हो जाए मेरे मसाला और जले भी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ। तरी मेरी तैयार है, और मैं इसका रोगन अलग नहीं करूँगी, इसी में छोले ऐड कर दूँगी। ये देख लो गाइस, इतनी बढ़िया बनी है। कलर देखो इसका, इसके इतने शानदार शानदार कलर जितना दिख रहा है ना, उससे कई कई गुना टेस्ट इसमें खाने में आएगा। ये देख लो, नान के साथ खाने के लिए, दूध वाली रोटी में खाना, नहीं तो नान के साथ खाना, रोटी के साथ खाना। अब मैंने डाले हैं जी चने, ये देख लो। मैं रोगन को अलग नहीं किया, क्योंकि वो ऊपर ही आ जाएगा पकने के बाद। मैं घर के लिए बना रही हूँ, रेस्टोरेंट में क्या है, सर्व करना होता, पैकिंग करनी होती है, इसलिए रोगन अलग करते हैं। ये देखो, जब मैं सर्व करूँगी तो वैसे ही रोगन ऊपर आ जाएगा पकने के बाद। इसको मसाले को इतना पका दिया है, रोगन तो नीचे बैठेगा ही नहीं, ये देख लो, गायब नहीं होएगा। अब मैं डालूँगी उबला हुआ इसका पानी। इस चनों की एक खासियत है गाइस, हमें इंडियन को एक जो जायके टेस्ट जो होता है ना, कभी नहीं भूल सकते कि भाई पंजाबी खाना, लाहौरी खाना, पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को तो। अब ऑब्वियसली वहाँ पे भी पाकिस्तानियों को भी इंडियन खाना बहुत पसंद आता होगा। ये देख लो, क्यों क्यों ना पसंद करें, इतने अच्छे जायके होते हैं, इतना अच्छा टेस्ट होता है, और इतना अच्छा बनाने का स्टाइल होता है। तो ये मैंने डाली है काली मिर्च, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है गाइस। और मैंने गरम मसाले में क्या पीसा है, मोटी इलायची और बादियान का फूल और दालचीनी, ये सब मिला के थोड़ा पीसा है। इसका मसाला तैयार किया है जावित्री खुशबू के लिए, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है गाइस, मीट भी फेल है इसके पास, इसके सामने गोश्त भी फेल है इस तरीके। ये देख लो अब बनेगी, कैसे लग रहा है कलर गाइस, देखो लाहौरी चने दिख रहे हैं ना, ये देख लो। ऐसे नाश्ता बनाएं और बच्चों को हेल्दी नाश्ता दें, खासकर सर्दियों में तो अब तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पोल्यूशन में नाश्ता बिल्कुल हैवी नहीं करते हैं, और अच्छा नाश्ता दें बच्चों को, सेहत और तंदुरुस्ती रहेगी, और बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और किसको नहीं चाहिए टेस्टी खाना, है ना। तो ये देखो कैसा लगा, आपको कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप कमेंट भी ज़रूर लिखें, आप कहाँ से देखते हैं कमेंट ज़रूर करें मुझे। ये देखो गाइस, लाहौरी चने बन गए, सारे कह रहे थे मीट जैसा बना है, मीट जैसे बना है, ये देख लो।
बहुत टेस्टी और मज़ेदार। इसमें ना टमाटर ना कुछ ज़्यादा मसाले नहीं है। इस डिश की खासियत यही है, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं है गाइस, बस भूनो अच्छे से, मज़ा आ जाता है खाने में। देख लो, कमेंट ज़रूर करना कैसे लगते हैं मेरी डिशेस। और अब देखने में कैसी लग रही है डिश, शानदार, इसका कलर देखना और बताना। और कमेंट करते हो आप कहाँ से करते हो, ज़रूर हमें मेंशन करें। ये देख लो गाइस, कलर इसका, मुझे तो पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है। आपको पसंद है या नहीं कमेंट में लिखें, आपको कैसे लगते हैं इंडियन खाने, कैसे लिखते हैं। और जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे को बाजी मैसेज करती हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनके आमनो आमान, सही सलामत।